अस्सलाम वालेकुम जी, राइस नमाज आपसे मुखातिब हूँ और आपके एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करता हूँ। आज के व्लॉग में मौजूद हूँ जी होंडा की एक फ्रेंचाइज पे और हमारी ये बाइक सामने लगी है। बाइक को थोड़े से काम की ज़रूरत थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ, बल्कि इसका जो ये वेस्ट लगा हुआ है ये इसी का है ना? इसी का ही है, ये इसी का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रंट का है जो यहाँ पे गाड़ी है, ये चैन, ये चैन, ये साउथ इसके पास, ये जी होंडा की चैन गाड़ी सेट, ये प्रॉपर, ये आपके लिए होंडा का ये जैन मैंने जी गाड़ी सेट, ये छोटी गाड़ी है जो फ्रंट ऐसी है ना, ये बकायदा है उसका नंबर भी दिया हुआ है, ये है बैक गाड़ी, बड़ी गाड़ी होती है और ये बुश होता है जो गाड़ी को होल्ड करता है इसी तरह ना। जी जी जी, चेन आप बाद में निकालेंगे। नहीं मतलब ये जब फिट हो जाएगा तो चेन निकल आएगा इजीली, या उसकी कुंडी तोड़ देंगे? तोड़ना कुछ नहीं होगा, लॉक खोलेंगे, लॉक खोल के इजीली चेन लगेगी। अच्छा अच्छा, और चेन को लगी होती है ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह लगा होता है, फिर वो ऊपर उसके साथ ना मट्टी वगैरह सारी लग जाती है। बाइक का जी हमारी काम ऑलमोस्ट हो गया है और बाइक है, बाइक के ट्राई कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ों को मेक श्योर किया जाए। नहीं जी, अपनी बाइक बिल्कुल अब रेडी है राइड देने के लिए, हमें आए राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक बड़ी मज़े की है यार, जो इसका पिक का मसला था ना पहले वो गरारी सेट की वजह से ही था, अभी पिक बड़ी मज़े की है जी। वेलकम बैक, गरारी सेट जलवाने के बाद गाड़ी हमारे पेशे खिदमत है एक इलेक्ट्रिशियन के। ऑन खराब, स्विच खराब है क्या? मैं क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। तो ये नया डाल दे, कितने का डलेगा? 300 रुपये का है, 300 रुपये का है। अच्छा है, कोई मोहब्बत, कोई डिस्काउंट, पैसा ही पैसा होगा। आप डाल दें, 300 ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो गाड़ी जी पेशे खिदमत है एक इलेक्ट्रिशियन साहब के, क्योंकि इसके चारों इंडिकेटर्स और बैक लाइट जो है वो नहीं चल रही थी, और पता लगा है जी कि इसका जो मेन स्विच है वो ख़राब है, और इसमें ये जो चाबी है ना ये भी निकल आती है, चाबी गिरने के भी चांसेस होते हैं, तो इसको नहीं डलवा रहे जी। चल गया, चल गया। बाइक का काम शाम करवाने के बाद हम इसमें मौजूद हैं कर्तबा चौक में, और यहाँ से हम खाएंगे ये पराठे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आलू वाले पराठे यहाँ पे बड़े अच्छे मिलते हैं जी, ये कर्तबा चौक, ये क्लॉक टावर।
ये आलू मेथी वाला है जी जी। अच्छा उसको आपने फिल कर लिया है, अब उसके ऊपर अब्दुल्ला का जी मोस्ट फेवरेट था ये आलू मेथी वाला, हमने तो ऑलमोस्ट 2-3 साल यहाँ से खाया है। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। वाह क्या सीन है। तो जी आलू मेथी वाला एक हैवी पराठा खाने के बाद मिंट मार्गरेटा तो मस्त सी, तो उसके असूल के लिए हमने अपना रुख कर लिया माल रोड का। हमारी बैड लक देखें जी कि आज मिंट ख़त्म हो गया है, तो रियाज साहब ने हमें ये चेरी जो है ये रिकमेंड किया था। मज़ा एक फिनिश कर लिया हमने जो, अब हम दूसरा उठाएंगे।